भिवानी जिले में डिजिटल इंडिया के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में अब कंप्यूटर के माध्यम से लोगों के कार्यों को कम समय निपटाया जा रहा है। भिवानी निवासी सोमवीर सुनील व छात्र जितेंद्र ने कहा कि डिजिटल तकनीक से उन्हें अब रुपयों का लेन देन करने में बहुत आसानी हो गई है। वे बैंक में लंबी कतारों में लगकर कार्य करवाने पड़ते थे। इसके अलावा अनेक प्रकार के दाखिले और सरकारी दफ्तरों संबंधी कार्य वे कंप्यूटर या मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया एक भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत है और जो काफ़ी समय में जो काम होता था वो जल्दी से काम शुरू हो जाता है। वो जैसे भीम ऐप चली हुई है उससे हम हमारे पैसे का लेन देन, मोबाइल का बिल भरना, बिजली का बिल भरना बहुत कम ऐसे हैं जो हमें शॉर्ट टाइम में हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का विकास किया है उसमें लोगों के लिए काफ़ी सेफ सुरक्षित हिस्सा बन गया है। आजकल लोग ऑनलाइन मुझे ऑर्डर करते हैं, मेरा ग्रोसरी स्टोर है और मुझे ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं, ऑनलाइन हम पेमेंट लेते हैं और जिससे मैं सामान लेने और देने में काफ़ी सुरक्षित हमें ये पार्ट लगा। इससे जहां समय की बचत होती है उससे समय के साथ साथ धन की भी बचत होती है। कई अन्य कार्य भी हैं जो डिजिटल के माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। इसका बड़ा ही परिवर्तन आया है, समय की काफ़ी बचत हुई है और ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका काफ़ी लाभ मुझे भी हुआ है। डिजिटल इंडिया का जो फ़ायदा देश में हुआ है वो ग्रामीण लोगों को हुआ है। आज गांव में पंचायत भवन बन चुके हैं, पंचायत भवन में कंप्यूटर की पहुंच हो गई है। कई ऐसे कार्य जो पहले शहर में आके सैकड़ों रुपए खर्च करके गांव के युवा बुजुर्ग अपना काम करवाते थे, आज उनके काम गांव में ही पूरे हो रहे हैं।